नमस्कार दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले किसी विद्यार्थी को करोड़ों का पैकेज मिल जाता है और किसी को तो एक डिसेंट जॉब तक नहीं मिल पाती। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस कहानी में। कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहानियां जिंदगी बदल देती है। एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ के घर बहुत सारे मजदूर काम करते थे। उसके यहाँ पर एक मुनीम भी था, मुनीम यानी अकाउंटेंट। एक बार सेठ के घर एक छोटा लड़का मेहमान बनकर आया, उसका नाम अभय था। अभय ने देखा कि एक तरफ मजदूर दिन भर काम करते हैं, बोझा ढोते हैं, पसीना बहाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुनीम बैठा रहता है, सिर्फ 4-5 घंटे काम करता है। उसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, जब मर्जी आता है, जब मर्जी चला जाता है। इसी बीच 5-6 कप चाय पी लेता है और अगर काम के समय कोई आ जाए तो गप्पे मारने लगता है। अभय ने क्यूरियोसिटी से सेठ जी से पूछा, आप मजदूर को कितनी तनख्वाह देते हो? तब सेठ ने कहा 5,000 रुपये महीना। और मुनीम को? सेठ ने कहा 50,000 रुपये महीने। अभय को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने नाराज होकर सेठ से कहा, आप मजदूर के साथ अन्याय कर रहे हो। वह दिन भर मेहनत करता है, काम करता है, उसे सिर्फ 5,000 रुपये महीना, और यह मुनीम कुछ खास काम नहीं करता, सिर्फ 4-5 घंटे के लिए आता है, उसमें भी गप्पे मारता है, चाय पीता है और चला जाता है। आपको उल्टा करना चाहिए, आपको मजदूर को 50,000 रुपये महीना देना चाहिए और मुनीम को सिर्फ 5,000 रुपये महीना देना चाहिए। सेठ जी, आप ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों करते हैं? तब सेठ ने कहा, मैं कोई नाइंसाफ़ी नहीं करता, जो करता हूँ ठीक करता हूँ। अभय ने कहा, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप अन्याय कर रहे हैं। तब सेठ जी हंसे और कहा, ठीक है बेटा, कल तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें पूरी बात समझा दूंगा। अगले दिन सुबह अभय सेठ जी के पास पहुंचा और कहा, बताइए सेठ जी, आप मजदूर के साथ अन्याय क्यों करते हैं? तब सेठ जी ने कहा, अभी समझाता हूँ। उन्होंने मजदूर को बुलाया, बेटा चमन इधर आना। मजदूर चमन आया। क्या हुआ सेठ जी? सेठ जी ने कहा, जा बेटा चमन, मंडी में गेहूं के दाम तो पूछ कर आ। चमन चला गया और आधे घंटे बाद वह वापस लौटा। तब सेठ जी ने उससे पूछा, गेहूं के क्या दाम है मंडी में? तब चमन ने कहा, सेठ जी 1,000 रुपये क्विंटल हैं। सेठ जी ने कहा, और चने के क्या दाम हैं? तब चमन ने कहा, वह तो मैंने नहीं पूछा सेठ जी। फिर सेठ जी ने कहा, अच्छा मक्का का क्या दाम है? चमन एकदम आश्चर्यचकित होकर बोला, सेठ जी आपने तो मुझे सिर्फ गेहूं का दाम पूछ कर आने को कहा था, मैंने दाम पूछा और चला आया। सेठ जी बोले, कोई बात नहीं चमन, जाओ तुम्हारा काम करो। कुछ देर बाद मुनीम जी आए। इसी तरह सेठ जी ने मुनीम जी को भी कहा, मुनीम जी जाइए और मंडी में गेहूं का दाम तो पता करके आइए। मुनीम जी ने कहा, ठीक है सेठ जी। मुनीम जी चले जाते हैं। लगभग 3 घंटे बाद मुनीम जी वापस लौटते हैं। अभय मन ही मन सोचता है कि आज तो मुनीम जी की पोल खुल गई। जो काम मजदूर ने सिर्फ आधे घंटे में कर दिया था, वह काम करने में मुनीम जी को 3 घंटे लग गए। अब तो मुनीम की खैर नहीं, अब तो सेठ जी को पता चल जाएगा कि यह मुनीम एक नंबर का आलसी है। सेठ जी ने कहा, आ गए मुनीम जी? मुनीम ने कहा, हाँ सेठ जी। क्या भाव है गेहूं का मंडी में? मुनीम ने कहा, 1,000 रुपये क्विंटल। और चने का? 1,500 रुपये क्विंटल। और मक्का का? 2,000 रुपये क्विंटल। वह सब छोड़िए सेठ जी, मुनीम ने कहा, क्या आपको पता है सोयाबीन का भाव अभी सिर्फ 2,000 रुपये क्विंटल ही चल रहा है? मुझे लगता है हमें सोयाबीन खरीद लेनी चाहिए क्योंकि सोया ऑयल की डिमांड अगले 6 महीने में बढ़ने वाली है। यह कीमत कम से कम 6 महीने में दुगनी हो जानी चाहिए, मेरा अनुमान ये है। मुझे लगता है कि हमें 2,000 क्विंटल अच्छी क्वालिटी की सोयाबीन खरीद लेनी चाहिए। 40 लाख का शुद्ध मुनाफा होगा, वह भी 6 महीने के भीतर। मैं वैसे मंडी में बात करके आया हूँ, आप कहें तो ऑर्डर दे देता हूँ। सेठ जी ने कहा, ठीक है मुनीम जी, चेक ले जाइए और ऑर्डर कर दीजिएगा। मुनीम जी चले जाते हैं। अभय यह बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। सेठ जी अभय को समझाते हैं, देखो ये जो मजदूर मेहनत करता है वह अपनी शारीरिक शक्ति से काम करता है, इसलिए उसको कम मेहनताना मिलता है, जबकि यह मुनीम अपनी मानसिक शक्ति से काम करता है, इसलिए उसकी तनख्वाह ज़्यादा है। जो जितना अधिक मानसिक श्रम करता है उसकी तनख्वाह, उसकी सैलरी उतनी अधिक होती है। मुनीम जी 50,000 रुपये लेते हैं, किंतु अपने दिमाग से वह मुझे 5 लाख का मुनाफा
लगभग हर महीने करवा देते हैं, इसलिए मैं उन्हें 50,000 रुपये सैलरी देता हूँ। अब जो मुझे ज़्यादा फायदा करवाएगा उसको तो मैं अधिक सैलरी दूंगा ना, इसलिए मैं मुनीम को अधिक सैलरी देता हूँ। मित्रों, अगर आप ये सोचते हैं कि जॉब्स की कमी है तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में अच्छे जॉब में टैलेंटेड लोगों की हमेशा ज़रूरत रहती ही है। यदि आप कंपनी का अच्छा फ़ायदा करवाएंगे तो कंपनी आपको मुंह मांगी सैलरी देने के लिए तैयार हो जाएगी। यदि आप टैलेंटेड हैं तो आपको कभी समझौता नहीं करना पड़ेगा, ना समय को लेकर और न ही सैलरी को लेकर। आप अपनी शर्तों पर काम कर पाएंगे। यदि आप कंपनी में अधिक से अधिक पैकेज प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी स्मार्टनेस, अपनी स्किल्स, अपनी एजुकेशन और अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा, और इन सब चीज़ों को कंपनी के फायदे के लिए उपयोग करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज ये कहते हैं कि पढ़ाई करने से क्या होगा। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई से नॉलेज बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई करने से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, और जिसके ब्रेन के न्यूरॉन्स जितने अधिक एक्टिवेटेड होंगे वह उतना समझदारी से, स्मार्टनेस से काम कर सकेगा। याद रखिएगा मित्रों कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। यदि आप सफलता चाहते हैं तो उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी, इसलिए खूब मेहनत करें और अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा और सफल इंसान बनकर दिखाएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।